या तो आपको खबर मिल गई होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 2000 के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट सर्कुलेशन में हैं, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। RBI ने नोट बदलने के लिए बैंकों को स्पेशल गाइडलाइन जारी किया है, जिसके मुताबिक बैंकों को नोट बदलने के लिए एक स्पेशल विंडो बनाना होगा। इसके साथ ही बैंकों में तत्काल प्रभाव से 2000 के नए नोट जारी करना बंद कर दिया गया है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। अब आप सोचते होंगे कि अचानक से यह बदलाव लोगों को परेशानी में डाल सकता है, तो आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए RBI ने एक सॉल्यूशन निकाला है। आपको बता दें, RBI ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत अब लोग अपने 2000 के नोट को 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करके बदल सकते हैं। RBI के इस फैसले के बाद तमाम लोगों के मन में कई सवाल हैं। पहला सवाल है कि लोग 2000 के नोट बैंक में जमा करने के बाद कितना पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल, लोगों को बैंक से नोट एक्सचेंज करने के लिए कोई शुल्क भी लगेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या नोट बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना जरूरी है। इन तमाम सवालों के सही जवाब जानने के लिए आपको हमारे इस वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। पहला सवाल था कि एक बार में खाते से कितना रुपया निकाला जा सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक कार्तिकीय वत्स ने बताया कि RBI की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 23 मई 2023 से लोग बैंक में 2000 रुपये के नोट अपने खाते में जमा कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा आप अपने पैसे को जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल था कि एक्सचेंज करने के लिए कोई शुल्क भी लगेगा, तो सबसे अच्छी बात है कि एक्सचेंज के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि एक्सचेंज के लिए बैंक के काउंटर से 2000 के 10 नोट यानी सिर्फ 20,000 रुपये ही बदले जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इसके लिए बैंक का खाता धारक होना जरूरी नहीं है। कोई भी आम नागरिक किसी भी बैंक से के काउंटर से एक्सचेंज कर सकता है। इसके अलावा नोट एक्सचेंज के लिए कोई भी शुल्क किसी भी नागरिक से नहीं लिया जाएगा। RBI ने यह भी जानकारी दी है कि 79% 2000 रुपये के करेंसी नोट मार्च 2017 के पहले जारी किए गए थे, जिसका लाइफ स्पैन 4 से 5 सालों का होता है। 31 मार्च 2018 को कुल 6.73 लाख करोड़ रुपये के 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे, जो कि 31 मार्च 2023 को घटकर केवल 3.62 लाख करोड़ रुपये के वैल्यू का रह गया, जो पीक वैल्यू का केवल 33% है और सर्कुलेशन में मौजूद कुल 2000 रुपये के नोट का केवल 10.8% है। RBI का कहना है कि दूसरे डिनोमिनेशन वाले बैंक नोट्स करेंसी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हैं। तो आज के इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कि RBI के इस फैसले से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए वोकल न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।